मैंने जल जंगल जमीन का आपका आंदोलन कवर किया था, शायद 2005 या 2006 की बात थी। 25,000 आदिवासियों को लेकर आप दिल्ली पहुंचे थे। ये तो इस देश ने देखा है दशकों दशक कि 25-30 हजार लोग भी, 40,000 लोग भी अगर दिल्ली में आए राजधानी में, तो उन्हें प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी इस देश ने, इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम ने। हाँ, वो पीवी राजगोपाल लेके आए थे जी, और मैं भी साथ था। You were there. Exactly. I remember. ऐसा है कि भारत में जो हमें संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार अब पिछले 10 सालों से अब भारत की जनता को मिल नहीं रहा है। मैं सोनम बागचुक को पिछले 22 सालों से जानता हूं प्रत्यक्ष रूप से। वो भले ही गांधी के खड़ी ना पहनता हो, लेकिन गांधी विचारधारा का सच्चा कार्यकर्ता है। जैसे मैं पानी का काम राजस्थान में शुरू किया था, इसने भी लद्दाख में अपने सामाजिक जीवन को, वहां की नंगी वीरान धरती को पानीदार बनाने का बड़ा काम किया था। ये धरती और प्रकृति और मानवता, इन तीनों का सम्मान करने वाला, बापू के विचारों को जीने वाला एक गांधी विचार का पोषक कार्यकर्ता है। इसके जीवन में कभी हिंसा इसने की नहीं, इसके जीवन में हिंसा आती नहीं है, बल्कि ये तो हिंसक इकोनॉमी को नॉन हिंसक इकोनॉमी में, सर्कुलर इकोनॉमी में बदलने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी जाती, तब वो सड़क पे उतरता है। मैं 1991 में गुजरात के हिम्मत नगर से लेके दिल्ली तक 700 लोगों के साथ पैदल यात्रा करके आया। उस जमाने में शिवराज पाटिल अध्यक्ष होते थे लोकसभा के, मुझसे पूछने आए नीचे, और मेरा ज्ञापन उन्होंने नीचे आके लिया कि भाई तुम इतनी दूर से हमारा काम कर रहे हो, अरावली पर्वत को बचाने की चेतना जगा रहे हो। मैं सोनम बागचुक को जानता हूं, वो प्रकृति के रक्षण के लिए, लद्दाख की धरती के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, लद्दाख की प्रकृति के लिए अपने जीवन को लगाने वाला, समर्पित भाव से शांति में जीवन जीने वाला कार्यकर्ता है। तो राजेंद्र जी, ये है क्या भाई? 4 साल से प्रोटेस्ट चल रहा था, मार्च में भूख हड़ताल भी हो गई। ऐसा उनका कहना है सोनम वांगचुक का कि आफ्टर इलेक्शन कम्युनिकेशन भी बंद हो गया, तो ये है क्या? ये देखिए, ये सरकारें इस लोकतंत्र में जो गड़बड़ है, जो भी सत्ता में अब बैठे हैं, वो लोगों को डरा के और झूठ के बलबूते पर अपना राज चला रहे हैं। तो जब झूठ और डर, ये दोनों पैदा किया जाता है, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं जानता हूं सोनम बागचुक किसी पे हिंसा नहीं करने वाला, सोनम बागचुक दिल्ली में आके कोई कानून नहीं तोड़ने वाला, सोनम बागचुक दिल्ली में अशांति करने वाला कार्यकर्ता नहीं है। और उसके जो लोग हैं, वो शांति में काम करने वाले हैं, गांधी के अहिंसा में विश्वास रखते हैं और सत्य के लिए जीते। अच्छा, मैं एक नैरेटिव ये भी है राजेंद्र जी, अहिंसा मैं आज जब सोशल मीडिया पर देख रही थी, तो एक नैरेटिव ये है कि चाइना का एजेंट है सोनम वांगचुक, चाइना का एजेंडा चलाते हैं। एक नैरेटिव है ये, मैं सिर्फ नैरेटिव आपसे साझा कर रही हूं। मैं आपको अपने बारे में कह सकता हूं, जब मैं माइनिंग के खिलाफ लड़ रहा था, तो मुझे नक्सलवादी कहा था मेरे मुख्यमंत्री ने कहा था ये राजस्थान में नक्सलवादी है और नक्सलवाद को बढ़ा रहा है। मैं सोनम बागचुक के बारे में इतना कह सकता हूं, वो भारतीय है और भारत की भूमि को, एक इंच को सम्मान करता है, किसी का एजेंट नहीं है, और चाइना का एजेंट तो बिल्कुल नहीं है। मैं उसके बारे में इतना बोल सकता। तो ये 150 लोग, सुना मैंने शुरुआत में आपको सुनाया था, लद्दाखी हैं, और लद्दाख अभी तक एट प्रेजेंट इसी देश की टेरिटरी का हिस्सा है। भारत के मानचित्र पर सबसे ऊपर जब हम देखते हैं तो लद्दाख है। रामचंद्र राही भी मेरे साथ हैं। रामचंद्र जी,